हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि आप विंडोज को शट डाउन करते हैं और उस वक्त आपको ये ऑप्शन आता है अपडेट एंड शट डाउन, अपडेट एंड रीस्टार्ट, तो आप कैसे इसको हटा सकते हैं या कैसे आपको ये रिमूव हो जाएगा। जैसे कि अगर आपने आपको विंडोज अपडेट एंड शट डाउन का ऑप्शन आया होगा तो आपने उसे अपडेट भी कर दिया होगा, लेकिन फिर भी ये ऑप्शन यहाँ पे है ही, क्योंकि मेरे भी विंडोज में आ रहा था तो मैंने ये ऑप्शन को अभी भी यहाँ पे है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो सिंपली आपको अपने विंडोज की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको आना है अपडेट एंड सिक्योरिटी में। अपडेट एंड सिक्योरिटी में जब आएंगे तो यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा रीस्टार्ट रिक्वायर्ड, तो आपको सिंपली रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे आपका कंप्यूटर जो है रीस्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ये कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपको ये अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि अपडेट एंड शट डाउन का ऑप्शन आपको रिमूव हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं रीस्टार्ट होने के बाद जो ये ऑप्शन हमारे पास जो आता है उसे। तो यहाँ पे ये सक्सेसफुली जो है अपडेट हो चुका है, रीस्टार्ट हो रहा है। रीस्टार्ट होने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन जो है ये रिमूव हो जाना चाहिए। तो रीस्टार्ट हो जाने के बाद जब आप फिर से इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अब सिर्फ शटडाउन और रीस्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है। आप देख सकते हैं शटडाउन और रीस्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। ये बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है रीस्टार्ट करने के बाद आपको ये सब कुछ सेम हो जाएगा। हो सकता है रीस्टार्ट करने के बाद आपको तुरंत जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो अपडेट एंड शटडाउन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा एक दो मिनट का वेट करना है और उसके बाद आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको शटडाउन और रीस्टार्ट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।